आदमी साइलेंट सैक्रिफाइसेस करता है। साइलेंट सैक्रिफाइसेस होता क्या है ये समझना जरूरी है। अगर मैं लड़की हूं ना, मैं गिनवाऊंगी, मैंने आज तुम्हारे लिए देखो इतना मेहनत किया, सुबह 5 बजे उठी, तुम्हारे लिए खाना बनाया, सबके लिए इतना मेहनत किया, झाड़ू किया, पोछा किया, मैं बाहर शॉपिंग करने के लिए चली गई, या फिर जो भी छोटी मोटी चीजें हैं मैं गिनवाऊंगी। आदमी कभी बोलेगा कि अपनी जॉब जाने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने ट्रेन में धक्के खाए, मैं मेट्रो की लाइन में या बस की लाइन में खड़ा रहा, या फिर मेरे को सीट भी नहीं मिली, मैं ऑफिस गया तो मेरे को बॉस ने इतना टॉर्चर किया, इतना काम का प्रेशर था कि मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं शाम को वापस आया तो बच्चों के लिए कपड़े लेके आने थे, जिम में पैसा नहीं था, बच्चों के लिए सामान लेके आना था, किताब लेके आने थी, जिम में पैसा नहीं था, मैंने दोस्त से उधार मांगे, मैं घर पे आया तो तुमने लड़ना शुरू कर दिया, मेरा रात को खाने का मन नहीं करा और मेरी पूरी बॉडी दुख रही है और मैं सो गया। क्या कभी आदमी के मुंह से आपने ये कहानी सुनी है? मैं भी शादी सुनी है। नहीं, अगर औरत दिन में एक काम भी करेगी तो वो गिनवा देगी, क्योंकि ये हमारा नेचर है। हमारी बॉडी जो होती है, इंसान की बॉडी दो तरीके से फ्लो करती है। औरतों की जो बॉडी होती है वो अपवर्ड फ्लो करती है जबान से, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम बोलती ज्यादा है। बोलना इन द सेंस कि चाहे वो किसी भी तौर पे हो, मैंने ये करा, मैं ये कर दूं, मैं ये ला दूं, तुम्हें ये चाहिए, तुमको वो कर दूं, ये हम पूछेंगी, हम सवाल पूछेंगी, हमारा प्यार बोलने में निकलता है, हमारा गुस्सा बोलने में निकलता है। आदमियों का जो बॉडी है ना वो अपवर्ड फ्लो होता है लेकिन वो दिमाग तक जाता है। आदमी करके बोलता है कि मैंने बिल भर दिया है, मैं ये सामान ले आया हूँ, मैं खाना ले आया हूँ, वो करने के बाद बोलता है। औरतें बोल के करती हैं, ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि करके जताने में और जताकर करने में। तो ये बात आज आपने फैक्ट कर दिया कि भैया आदमी हो तो चुप रहो, सुनो तुम। आदमी मर्द बना है सुनने के लिए और औरतें बनी है मुझे लगता है सुनाने के लिए। सुनाने वो उनका नेचर है। फिर मैं ये कहती हूँ कि चलो ठीक है, अगर मैंने ये बात कह दी कि आदमी जो है वो जताता नहीं है, तो फिर इस बात में किसी को मिर्च नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, औरतों के ऊपर क्राइम होता है, औरतों के साथ किसी भी तरीके का वायलेंस होता है, होता है नो डाउट, लेकिन ये मत कहो कि सिर्फ औरतों पे होता है, दोनों तरफ होता है। परेशान वो भी होते हैं, काम वो भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं। और आप एक एग्जाम्पल ले लेना, अगर 10 घरों में कोई आदमी काम कर रहा है, उसमें से सिर्फ 2 या 1 आदमी ऐसा निकलेगा जिसकी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी कि वो वायलेंट है, वो एग्रेसिव नेचर का है। 8 आदमी तो मेहनत कर रहे हैं ना। औरतें एक पल में, मैं औरतें बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं उससे समाज से आती हूँ और मैंने ये चीज देखी अपनी जिंदगी में, मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके ये बात बोल रही हूँ। हम एक झटके में बोल देते हैं सारे आदमी एक जैसे, ऑल मेन आर सेम। लेकिन अगर एक लड़के ने ये बात बोल दी, एक आदमी ने ये बात बोल दी, सारी औरतें एक जैसी हैं, देन फिर वो अपने आप को ये समझेंगे कि इसने तो हमारे करेक्टर के ऊपर बात कर दी है, इसने तो हमें करेक्टरलेस बोल दिया है। तो तुम आदमियों को गाली दे सकती हो, तुम आदमियों के करेक्टर पे बात कर सकती हो, तुम आदमियों को प्ले बॉय बोल सकती हो, सब कुछ कर सकते हो। आदमी इतना सॉफ्ट टारगेट बन गया है कि हम उनके ऊपर चीजें डालते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस डालते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते रहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन डालते रहते हैं, अपना सब कुछ डालते रहते हैं। लेकिन अगर आदमी या कोई आदमी की तरफ से एक बात बोल दे, तो फिर सारी जो औरतें हैं, सारी जो लड़कियां हैं जो फेमिनिज्म का नारा लहराती हैं, वो फिर इकट्ठे होके ये बोल देती कि क्यों आपने ऐसा कैसे बोल दिया। तो अगर आप सेंसिबल हो किसी इंसान को लेके, अगर आप औरतों को लेके सेंसिबल हो, तो आदमी भी इंसान ही है।